करण जौहर साहब के स्कूल में दोस्तों इस बार 3 स्टूडेंट आए हैं, तारा, अनन्या और टाइगर श्रॉफ। दर्शकों का क्या है कहना सेकंड दिन कितनी भीड़ है, दर्शकों के बीच में क्या क्रेज़ है, आपका ये राहुल भोज आपको बताएगा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 का सेकंड दिन क्या हश्र हुआ है। चलिए जानते हैं कैसी लगी आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बहुत अच्छी थी। क्या चीज़ अच्छा है फिल्म के अंदर? मुझे तो अनन्या पांडे बहुत पसंद आए उसमें। ओके। टाइगर का एक्शन बहुत क्लास था, ऑसम था। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? फुल 9। ओके, थैंक यू। टू बी ऑनेस्ट, लाइक द वे दे शोड इन द ट्रेलर, एक सेकंड, ओके, द वे दे शोड इन द ट्रेलर के द मूवी ऐसी है, मूवी वैसी है, सो आई वाज नॉट लाइक, आई वाज फीलिंग लाइक के यार ही हैज डन अ लॉट ऑफ स्टंट्स लाइक रादर देन स्टडीइंग एज पीपल वर सेइंग, बट to be honest I don't care about all the logics, but the movie has everything, love, emotion and dance and everything which I thought it should be, and movie to be honest I feel ke wo first movie se zyada achhi thi. Okay. 4.5. yeah, it was good, it was really nice as expected, like I never thought it would be that good also, but it was really a worth watching film. Okay, how's Tiger? Yeah, he is good. I like Tara Sutaria. Okay, out of, and Ananya Pandey also a lot. How many stars? 5, I would really give 5, because combat student of the year also is really good and this is also better. Thank you so much. We just went for Karan Johar because it was the Dharma production. We didn't like the trailer as much, but movie was okay, it was bearable. But yeah, it wasn't that up to notch. Yeah, student of the year one was much better. Ma'am. Yeah, the same. Actually, we were there for the Dharma productions. Yeah, so acting wise Ananya Pandey was better expected. And yeah, so If I ask about Tiger, yeah, Tiger ne kaisa kaam kiya, kuch alag kiya is baar? Much better than what good he did choice. In his earlier films. Good choice. Earlier films se zyada achi choice thi. Okay. Koi aisa song jo aapke zehen mein basta hai, koi achha laga song? Last we heard Hookup song. Hookup song I didn't like. I like Gilly Gilly Akha. Nice. Out of 5, how many stars? 5. For the movie? Yeah. 2.5. Thank you so much. Thank you. How did you feel about the film? Yeah, movie was like awesome. Yeah, awesome. Awesome? Yeah, awesome means... Yeah, yeah. Okay. Like, I was expected much like expressions and emotions, but it was not that. Up to the mark? Haan, exactly. I was thinking that yahan par jo chemistry hoga unka matlab aur kuch hoga, lekin ispe matlab utna matlab nahi mila mereko. मैंने इमोशंस और मतलब केमिस्ट्री जो होते हैं ना, जो पार्ट 1 में ही मैंने केमिस्ट्री देखा, वो मतलब ऐसे लगते कि ऑडियंस को कनेक्ट कर रखते हैं, लेकिन पार्ट 2 में मतलब टाइगर का जो फ्लैट एक्टिंग लगा मेरे को, फ्लैट एक्टिंग लगा। ओके। किसी किसी पार्ट्स में उसका मतलब सही है, लेकिन बहुत पार्ट्स में ऐसा है कि उसका जैसे कि हो गया हीरोपंती या मतलब कोई अलग मूवीज, तो उसका मतलब हाँ सेम लगा, मतलब कि ये हाँ ये टाइगर श्रॉफ ही है, मतलब जो कैरेक्टर होता है ना वो डिफरेंट लगना चाहिए, स्विच होना चाहिए ना, ये कैरेक्टर उसमें ऐसा हुआ, ये कैरेक्टर इसमें ऐसा हुआ, लेकिन हर मूवी में लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट टाइगर श्रॉफ इसमें एटलीस्ट टाइगर श्रॉफ नहीं रहेगा, पर इसमें भी वो टाइगर श्रॉफ ही रहा। ओह माय गॉड, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है आपकी। अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे, लाइक तारा इज फेयर, तारा अच्छा, हाँ अनन्या की एक्टिंग मज़ा है, लेकिन तारा का जो लुक्स या लुक या एक्चुअली आई एम बिग फैन ऑफ टाइगर श्रॉफ, बट यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गया उसका, मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका एक्टिंग होगा, लेकिन एक्टिंग था नहीं इसमें, बस स्पोर्ट्स का वो तो वो करते ही है, लेकिन एक्टिंग चाहिए यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग का। ओके। फिल्म की कोई स्टोरी है खास क्या? फिल्म का स्टोरी मतलब वही है कि एक मैसेज दिया है, स्टोरी तो कुछ नहीं है, बस एक मैसेज दिया कि टीम वर्क करना चाहिए, बस टीम वर्क से आगे मतलब किसी भी चीज़ सक्सेस को पा सकते हैं। बस वही है, लेकिन स्टोरी नहीं था यार, मतलब स्पोर्ट्स था, डांस था, फाइटिंग था, उतना नहीं, लेकिन फाइटिंग मतलब ठीक ठाक है। ओके। आपको बोलिए आपको देखने मिलेगा फाइटिंग सीन, बस उसमें आएगा जब उसका दोस्त उसका दोस्त को मतलब वो जब मानव उसको पीटता है ना, जो मतलब नेगेटिव रोल कर रहे हैं वो जब पीटते हैं, तभी वो सीन में फाइटिंग सीन्स मतलब काफ़ी वो करते हैं। हाँ, मैं डिसअपॉइंटेड इसी बात के लिए कि टाइगर को एक्टिंग करना चाहिए था, पर वो एक्सप्रेशनलेस, वही मतलब टाइगर श्रॉफ ही रहा। ओहो,
उसको मतलब पूरा वो करना चाहिए था, इमोशन है ना, इमोशन को मतलब कैरेक्टर में घुस जाना चाहिए था पूरा, मतलब बिंदास। लेकिन उसका जो एटीट्यूड होता है ना गुस्सा वाला, वो उसी में रह गया। ओहो बाप रे। फिल्म का कोई गाना अच्छा है? हाँ, गाना तो मेरे को सभी पसंद है। कौन सा अच्छा है? एक्चुअली मूवी इज ऑसम, बट टाइगर श्रॉफ को मैं मतलब एक ही बात के लिए डिसअपॉइंट हो गया, उसका मतलब एक्टिंग फ्लेट रहा। ओके एक्टिंग। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? मैं 4.5 दूंगा। लेकिन टाइगर श्रॉफ को ये मतलब सर आप देख रहे हैं तो मैं इतने बोलना चाहूँगा कि पब्लिक एक ही चीज़ आपसे डिपेंड करती है कि आप एक का एक्टिंग बिंदास होना चाहिए, बाकी समय तो आप ऑसम हो, लेकिन बस एक्टिंग में ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। बस वही है। मूवी अच्छी है, मतलब वन टाइम वॉच है, और मुझे अनन्या पांडे का काम अच्छा लगा। ओके ओके। फिल्म में क्या खास है, क्या नयापन है? कुछ है नयापन तो कुछ नहीं है, फर्स्ट ज़्यादा अच्छी थी, फर्स्ट ज़्यादा अच्छी थी और ठीक है ये, मतलब इतना ऐसा कुछ खास नहीं लगा, वन टाइम वॉच है जस्ट फॉर न्यू कमर्स। ओके ओके। टाइगर श्रॉफ को लेकर क्या कहेंगे आप, सेम काम लगा या कुछ अलग लगा? टाइगर श्रॉफ का मैं यही कहूँगी कि हाँ उसकी उनके जो डांस स्किल्स हैं और उनके एक्शन सीन्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिंग है, जस्ट एक्टिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी। ओके ओके। तो कुछ नया नहीं किया है टाइगर ने इस बार? नहीं, वही जो हम देखते आ रहे हैं, उनका डांस, उनकी किक्स, उनके एक्शन सीन्स वही हैं, उनके मतलब वही है, मतलब देखा है उनसे, वही एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने सरप्राइज किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। दो लड़कियां हैं, तारा और अनन्या, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तारा का ओके, बाकी उनका कैरेक्टर जो था उन्होंने जस्टिफाई किया, बाकी अनन्या का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। ओके। विलन इसमें है आदित्य सील, जो कि मानव के किरदार काफ़ी कहीं कहीं बहुत क्यूट लग रहे हैं, और उन्होंने अपना विलन का रोल काफ़ी अच्छा किया। फिल्म का कोई ऐसा गाना जो आपके जहन में बसता है, कोई नयापन, कुछ अच्छा गाना? वो पुराना ही है, ये जवानी है दीवानी, वो उनका जो नया उसको फ्लेवर दिया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दिए? 2.5। क्या ये फिल्म दोबारा देखने लायक है आपके लिए? नहीं, वन टाइम वॉच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्त कैसी लगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को, साफ साफ बता दो। बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को तो, और मतलब अच्छी इंटरटेनिंग मूवी है। क्या अच्छा है इसमें? अच्छा डायरेक्शन अच्छा है, और जितने भी नए आर्टिस्ट हैं अनन्या या फिर तारा और टाइगर तो कमाल का है, तो कुल मिलाकर मुझे बहुत ही अच्छी लगी मूवी। ओके। अगर मैं बात करूं फिल्म के गानों की, तो गाने कैसे हैं, कोई गाना याद है आपको? गाना अच्छा है, लेकिन पहले की मूवी थी उसमें इससे भी अच्छे अच्छे गाने थे, लेकिन इसमें एक गाना मेरे को अच्छा लगा, फकीरा गाना, वो बेटर है। अच्छा, वो बेटर हाँ, है। हाँ, वो अच्छा है। ओके। और अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 ज़्यादा अच्छी थी या पार्ट 2? मेरे ख्याल से पार्ट 1 अच्छा थी, म्यूज़िक के लिहाज से भी और एक्टिंग के लिहाज से भी, आर्टिस्ट के लिहाज से भी, तो पार्ट 1 बेटर थी इसे। टाइगर श्रॉफ ने कुछ नया किया है इस फिल्म के अंदर? नया अपना स्टंटबाजी वगैरह किया है, और अपना जैसा उनका रहता है, और उनका तो एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक्टिंग भी कुछ देखने को मिली है उनकी। वेरी नाइस। अगर मैं बात करूँ दो लड़कियाँ आई हैं क्यूट सी, एक का नाम है तारा सुतारिया, एक का नाम है अनन्या पांडे, कैसा काम है दोनों का? दोनों को अच्छा काम है। आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा? मेरे को तारा का काम बहुत ही अच्छा लगा, और अनन्या भी बहुत ही अच्छा है, उनके रोल के हिसाब से उनका भी फिट है इसमें, और आगे जाएंगे दोनों आर्टिस्ट, दोनों आगे जाएंगे। ओके। फिल्म में एक विलन है जिसका नाम है आदित्य सील, जो कि मानव की भूमिका में है, वो कैसा है, उसका काम कैसा है? हाँ, उनका भी काम लाजवाब है, और उन्होंने भी अट्रैक्ट किया है पब्लिक को अपने अदाकारी से, और मुझे लगता है ये भी आगे तक जाएंगे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दोगे आप? मैं दूंगा 5 में 4 दूंगा इसको। 4 स्टार? जी 4 स्टार। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 का जो हशरुआ है आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, आज सेकंड दिन है और ये पहला शो छूटा है, ऑक्यूपेंसी आपने देख ही ली होगी खुद से ही, एंड साथ ही साथ दर्शकों का रिस्पॉन्स आपने देख लिया। अब बारी आती है आप लोगों की, आपने फिल्म देखी कि नहीं, आपका क्या है रिस्पॉन्स, क्या है रिएक्शन, और फिल्म देख रहे हैं या नहीं,
सारी बातें कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के मनोरंजक रिव्यूज़ मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए आपके फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग। आई एम विद कैमरा पर्सन तुषार।